हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। अगर आप अपने बेबी के लिए वॉकर खरीदने जा रहे हैं तो इस वीडियो में दिए गए टिप्स को जरूर सुनिएगा। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसके बेस पे आप एक सेफ और अच्छी क्वालिटी का वॉकर अपने बेबी के लिए ले पाएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको दिखाऊंगी लवलैप कम्फी बेबी वॉकर एंड लवलैप सनशाइन बेबी वॉकर। ये दोनों ही बेबी वॉकर्स बहुत ही पॉपुलर हैं। आप इनके रिव्यूज और फीडबैक खुद ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत बच्चों को इनको यूज करते हुए देखा है। मैंने भी अपनी डॉटर नूर के साथ इसे यूज किया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किन तीन चीजों का ध्यान रखते हुए पेरेंट्स एक अच्छा वॉकर लाइक लवलैप कम्फी बेबी वॉकर या लवलैप सनशाइन बेबी वॉकर ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टिप है कि वॉकर सेफ होना चाहिए। अब ये जो लवलैप कम्फी बेबी वॉकर है इसमें चार एंटी स्किड स्टॉपर्स दिए गए हैं। तो बेबीज जब वॉकर में होते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, उनका कंट्रोल नहीं रहता वॉकर पे। तो वॉकर स्किड ना हो जाए, पलट ना जाए, उसको रोकने के लिए ये एंटी स्किड स्टॉपर्स बहुत काम की चीज है। दूसरा, इस वॉकर में 6 व्हील्स दिए गए हैं जो 360 डिग्री रोटेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा किसी भी डायरेक्शन में जा पाए। ये बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए, जिससे उनको सेंस ऑफ डायरेक्शन भी समझ आता है कि कहाँ उन्हें जाना है और कोई लिमिटेशन नहीं रहती कि वो सिर्फ आगे और पीछे जा सकते हैं। तीसरी चीज सेफ्टी में होती है कि वॉकर्स आपको मार्केट में बहुत मिल जाएंगे, बट वॉकर एक पॉपुलर और एक रिनाउंड और एक ट्रस्टेड ब्रांड का होना चाहिए। लवलैप एक ऐसा ब्रांड है जिसे बहुत पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं। ये अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हुए बेबी सेफ्टी का ध्यान सबसे ज्यादा रखते हैं। तो ये ब्रांड मार्केट में बहुत टाइम से है, इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत टाइम से है और इनका फीडबैक बहुत अच्छा है। तो इन तीनों ही क्राइटेरिया पे, सेफ्टी स्टैंड पॉइंट पे, मैं लवलैप कम्फी बेबी वॉकर को देती हूँ एक बिग थम्स अप। दूसरी चीज, वॉकर कंफर्टेबल होना चाहिए। कंफर्टेबल नहीं होगा तो आपका बेबी उसमें बैठ के बहुत परेशान होगा और शायद उससे यूज भी ना करे। कंफर्ट के मामले में सबसे पहली चीज होती है जो सीटिंग है। अगर सीट कंफर्टेबल नहीं होगी तो बेबी कहेगा मुझे बाहर निकालो। तो लवलैप कम्फी बेबी वॉकर में जो सीट दी गई है इसपे बहुत अच्छा कुशन है, बहुत सॉफ्ट है। ये अप टू 15 किलो का वेट ले सकती है, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो मतलब वॉकर आपका थोड़ा लंबा टाइम भी चल जाएगा। स्पेशली पेरेंट्स ज्यादातर वॉकर जो है वो 8 to 10 months के बीच में यूज करते हैं और उस टाइम पे बच्चों का वेट इतना होता भी नहीं है, तो आराम से आपका वॉकर चल जाएगा। प्लस ये जो सीट है ये डिटैचेबल है और वॉशेबल है। अगर इस पे कुछ गिर जाता है तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि बच्चे को गंदी चीज में बिठाना पड़ रहा है, आप निकालिए, धोइए और वापस लगा दीजिए। दूसरी चीज कंफर्ट स्टैंड पॉइंट से होती है हाइट। लवलैप कम्फी बेबी वॉकर में 3 लेवल हाइट एडजस्टमेंट दिया गया है। तो जैसे जैसे आपके बच्चे की हाइट चेंज होगी आप वॉकर की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि उसके पैर प्रॉपरली फ्लोर पे पड़े और वो वॉकर को चला सके, उसे अपनी बॉडी को नीचे या ऊपर ना करना पड़े। सो सेफ्टी हो गई, कंफर्ट हो गया। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज बेबी स्टैंड पॉइंट से है कि वॉकर अट्रैक्टिव होना चाहिए। कोई भी चीज जो आईज को अपील नहीं करेगी उससे बच्चों को मजा नहीं आएगा। तो लवलैप कम्फी बेबी वॉकर में आपको मिलते हैं मल्टीपल कलर्स, तो आप कोई भी कलर अपने बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हैं। यू नो, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि बच्चे को कौन से कलर अट्रैक्टिव लगते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली पिक कर लीजिए, अदरवाइज अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। साथ ही इसमें मिलती है ये डिटैचेबल टॉय ट्रे जिसमें अलग अलग टॉयज हैं बच्चे को एंगेज रखने के लिए, उसके सेंसरी प्ले के लिए। बच्चा टच करके इससे खेलता रह सकता है और साथ ही म्यूजिक भी है। म्यूजिक बहुत लाउड नहीं है तो बच्चे के लिए कंफर्टेबल है। आप चाहें तो म्यूजिक ऑन करें, आप ना चाहें तो म्यूजिक को नहीं चलाएं और बच्चे को टॉयज के साथ खेलने दें। अब मान लीजिए कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमें हर टाइम एक टॉय ट्रे वॉकर के आगे नहीं चाहिए, बच्चे का जो व्यू है वो क्लियर होना चाहिए ताकि बच्चा अलग अलग जगह पे क्लैरिटी के साथ मूव कर सके। तो उस चीज में भी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। आप इस ट्रे को निकाल के डिटैच कर दीजिए और जब आपको लगे अभी बच्चे ने वॉक कर लिया, अब थोड़ी देर के लिए उसको अपने पास खड़ा करना है ताकि वो अब टॉयज के साथ खेले, तो आप ट्रे को वापस लगा दीजिए। तो आई थिंक काफी पेरेंट और बेबी के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए लवलैप कम्फी बेबी वॉकर को बनाया गया। आई थिंक द नेम इज ऑल्सो सूटिंग दैट, और हर क्राइटेरिया में ये बिल्कुल खरा उतर रहा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। इसके रिव्यूज भी आप खुद पढ़ लीजिएगा एंड देन यू कैन टेक योर डिसीजन। इसी बेबी वॉकर कैटेगरी में एक और लवलैप का वॉकर बहुत पॉपुलर है, वो है लवलैप सनशाइन बेबी वॉकर। उसमें कुछ फीचर्स अलग हैं, जैसे सबसे पहले वो अप टू 12 केजी तक का वेट ले सकता है। इसमें 8 व्हील्स दिए गए हैं जिसमें भी 360 डिग्री रोटेशन है, सो उस तरीके से भी ये वॉकर काफी अच्छा है।
इन दोनों वॉकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ये आपको Amazon पे मिलेंगे, LoveLab की वेबसाइट पे मिलेंगे और रिटेल स्टोर्स में भी मिल जाएंगे, बिकॉज ये काफी पॉपुलर प्रोडक्ट्स है, काफी लोग इसे यूज करते हैं। तो आई एम श्योर इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा कि जब वॉकर खरीदना है तो कोई भी वॉकर नहीं ले लेना है, हमें किन चीजों का ध्यान रख के एक ऐसी चीज लेनी है जो सबसे पहले बच्चे के लिए सेफ हो, बच्चे को उसको यूज करने में मजा आए और साथ ही बच्चे के लिए भी कंफर्टेबल हो और हमारी पॉकेट के लिए भी कंफर्टेबल हो। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी होगी। लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, पेरेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, बिकॉज बेबी के लिए कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले आई एम श्योर मेरी तरह सब पेरेंट्स बहुत रिसर्च करते हैं, सो आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प देम। थैंक यू, बाय बाय।